नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीन कुमार और मैं वीडियोस बनाता हूँ इटली में स्टडी के लिए, स्कॉलरशिप के लिए और उसके अलावा फ्रीलांसिंग के लिए। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे बैंक स्टेटमेंट के बारे में। बैंक स्टेटमेंट एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है जो आपको चाहिए होता है जब भी आप किसी कंट्री में जाने के लिए वीज़ा का अप्लाई करते हैं। वो आप टूरिस्ट वीज़ा भी हो सकती है, वो लॉन्ग टर्म वीज़ा भी हो सकती है। तो बैंक स्टेटमेंट बहुत ही ज़रूरी है। डिफरेंट वे से आप जो है अपना बैंक दिखा सकते हैं, उसका अकाउंट में अमाउंट दिखा सकते हैं, या तो आप किसी से स्पॉन्सरशिप लेते हैं या तो आप खुद को खुद स्पॉन्सर करते हैं। अब पहले बात करते हैं किसी से स्पॉन्सरशिप कैसे ली जाए। फॉर एग्जाम्पल, आप स्टूडेंट हैं तो आप कहीं जा रहे हैं, या आप टूरिस्ट हैं कहीं जा रहे हैं अप्लाई करने के लिए, तो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं आपके ब्लड रिलेटिव, जिसमें आ जाते हैं आपके फादर, मदर, ब्रदर और सिस्टर। ये आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं, ये आपके जो है ब्लड रिलेटिव हैं, ये आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं विथ स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड। फॉर एग्जाम्पल, उनके पास एक जॉब है अच्छी, उनकी इनकम है, या कोई बिजनेस है और उनके पास इनफ फंड्स हैं जो आपको स्पॉन्सर कर सके। या तो उन्होंने सेव किए हैं, या तो उनके पास कोई प्रॉपर्टी या कोई ऐसा असेट वगैरह है जो सेल करके आपको वो स्पॉन्सर करेंगे। तो उससे ये होता है, आप उनका जो है अकाउंट दिखाते हैं, उनकी बिजनेस डिटेल्स या उनकी जॉब डिटेल्स, सैलरी स्लिप, टैक्स रिटर्न्स वगैरह दिखा के स्पॉन्सरशिप लेके आप अप्लाई कर सकते हैं। मेक श्योर करें वो बैंक स्टेटमेंट कम से कम 6 महीने पुरानी हो और एक्टिव हो, उसमें रेगुलर इनकम आती रहे और उसमें रेगुलर ट्रांजेक्शन्स होती रहे। इस तरह नहीं हो सकता कि आप जो है एंड में या लास्ट मंथ में सारे पैसे जमा करवाएं और वो सबमिट कर दें तो आपकी वीज़ा रिजेक्ट हो जाती है। काफ़ी स्टूडेंट्स का ये इशू होता है, एट द मोमेंट वो बैंक स्टेटमेंट अरेंज नहीं कर पाते क्योंकि वो 6 महीने पुरानी चाहिए होती है। काफ़ी स्टूडेंट बैंक स्टेटमेंट लास्ट में अरेंज नहीं कर पाते क्योंकि वो 6 महीने पुरानी चाहिए होती है और उनके पास ये चीज़ नहीं होती और उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो इसीलिए 6 महीने पहले बैंक स्टेटमेंट पे काम करना शुरू करें। अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है, अभी से उसके अकाउंट में एक्टिविटीज स्टार्ट कर दें, या तो फिर आप खुद को खुद स्पॉन्सर कर सकते हैं। खुद को खुद स्पॉन्सर इन केस कर सकते हैं आप कोई जॉब कर रहे थे, या आप कोई बिजनेस कर रहे थे, या तो आप फ्रीलांसर्स थे। मैंने जो अपना वीजा अप्लाई किया वो मैंने सेल्फ स्पॉन्सर किया है। उसमें क्या होता है, आप कहीं जॉब कर रहे थे, या तो आपको वो सैलरी स्लिप सारी दिखानी पड़ेंगी और टैक्स रिटर्न्स, और आपके पास अकाउंट में कितने पैसे हैं, आपने कहाँ कहाँ कैसे कैसे जो है उसको सेव किया है, और उसका कवर लेटर में आपको मेंशन करना होता है कि मैंने ये पैसे सेव किए थे क्योंकि मुझे बाहर जाना था स्टडी के लिए। अगर आप फ्रीलांसर्स भी हैं या कोई आपका बिजनेस वगैरह है ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो उसकी सारी स्टेटमेंट्स दिखा के, उनकी टैक्स रिटर्न्स वगैरह दिखा के आप अपने आप को सेल्फ स्पॉन्सर कर सकते हैं। मेरा एक दोस्त था, उसका केस थोड़ा डिफरेंट था। अब वो लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें जिनका बैंक इश्यू है, बैंक स्टेटमेंट का काफ़ी इश्यू होता है, वो सॉल्व नहीं कर पाते क्योंकि ये 6 महीने पुराना डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, पूरी इसकी हिस्ट्री चाहिए होती है, और काफ़ी लोग एट द एंड इसको अरेंज नहीं कर पाते। अब मेरे दोस्त का ये केस था कि उसके पास सारे डॉक्यूमेंट थे लेकिन बैंक स्टेटमेंट नहीं थी 6 महीने पुरानी, और ना ही उसमें इतने फंड्स थे और ना ही इतनी ट्रांजेक्शन्स थी। तो वो मैंने उसको सजेस्ट किया और उसने क्या किया, उसके पास एक छोटी सी प्रॉपर्टी या प्लॉट था उनकी फैमिली का, और उसने वो प्लॉट सेल किया। या तो उसने एक सेल डीड बनवाया या तो उसने वाकई में सेल किया, वो अब एक अलग कहानी है। सेल डीड में लिखा गया कि ये हम प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं इतने पैसों में, और उतने पैसे उसके अकाउंट में डिपॉजिट हुए। अब उससे ये हुआ कि प्रूव हो गया कि इनके पास एक प्लॉट था, उनके फादर के नाम पे था, और उसने सेल करके अपने बेटे को स्पॉन्सर किया स्टडी के लिए, और उसने ये कवर लेटर में मेंशन किया कि मेरी फैमिली ने ये प्लॉट इसीलिए रखा था कि जब मैं बाहर स्टडी करने जाऊंगा तो ये मुझे पैसे काम आएंगे। तो इस केस में उसका काम चल गया और उसको वीजा मिल गई और आज वो यहीं पे है। तो शायद इस केस में आपका भी काम हो जाए। अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट का इशू आ रहा है तो आप आखिरी महीनों में ये भी कर सकते हैं, या तो आप गोल्ड वगैरह दिखा के सेल कर सकते हैं, या तो स्टॉक्स, शेयर्स या ऐसा कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है आपके पास, बॉन्ड्स वगैरह, वो सेल करके आप अकाउंट में डिपॉजिट करवा के विथ टोटल प्रूफ। सारी आपके पास रिसीट होनी चाहिए, कब आपने वो परचेज किया, किसको सेल किया, उसके चेक वगैरह सारे आपको कॉपीज
डिपॉजिट करनी पड़ेंगी। मेक श्योर करें अगर आप बैंक स्टेटमेंट मैनेज कर रहे हैं तो FBR में अपने आप को रजिस्टर जरूर करवाएं अगर आप पाकिस्तान से हैं। अगर आप किसी और कंट्री से हैं तो आप अपने टैक्स जो डिपार्टमेंट है आपके गवर्नमेंट का उसमें रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाएं, क्योंकि जब आप बैंक स्टेटमेंट सबमिट करते हैं तो आपको टैक्स रिटर्न्स भी शो करने होते हैं। फॉर एग्जांपल आप 3 मिलियन 2 मिलियन अपने अकाउंट में दिखा रहे हैं तो आपको प्रूफ करने के लिए वो टैक्स रिटर्न्स भी होने चाहिए कि वो पैसे आपके हैं। तो इस केस में वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है क्योंकि एट द एंड वो आपसे मांग लेते हैं और आखिरी दिनों में वो चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं मैनेज करना, क्योंकि टैक्स जमा करने का भी एक टाइम होता है। तो अभी से आप अगर आप रजिस्टर कर लेते हैं अपने आप को टैक्स में तो आपके लिए एक अच्छा जो होगा पॉजिटिव पॉइंट होगी और आपको वीज़ा मिलने में आसानी होगी। तो ये 3-4 तरीके थे जिस तरीके से आप जो है अपनी बैंक स्टेटमेंट मैनेज कर सकते हैं। आज से ही डिफरेंट उसमें एक्टिविटीज़ स्टार्ट कर दें। फॉर एग्जांपल आप अपनी बिजली का बिल उससे पे करें, गैस का बिल पे करें, कहीं सुपरमार्केट्स में शॉपिंग करने जाएं तो वो कार्ड इस्तेमाल करें बदनिस्बत के वो कैश में करें, आप उसमें डिपॉजिट करते रहें। फॉर एग्जांपल अगर आपका गोल है 3 मिलियन मुझे दिखाने हैं स्टेटमेंट में, तो ऐसा ना करें कि आप लास्ट महीने में जो है 2 मिलियन डिपॉजिट कर दें। आप अभी से उस पर काम करना शुरू करें, 2 लाख 3 लाख पर मंथ उसमें जमा करें और रिसिप्ट भी अपने पास रखते जाएं कि आपने जो पैसे जमा किए वो कहाँ से लाए, या तो आपने कोई चेक वगैरह उसमें डिपॉजिट किया है अपने फादर से लिया है या ब्रदर से लिया है, उस अकाउंट में डिपॉजिट करते रहें। विथ एवरी प्रूफ यू हैव टू सबमिट योर फाइल। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड दिस इज वेरी इंफॉर्मेशनल वीडियो फॉर यू। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। Maybe this will help other students in getting visa and avoid the visa rejection because of bank statement. Thank you so much. Keep watching. Bye bye.